आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, ये पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से, जो एलजी प्रशासन की तरफ से जो एक कार्यक्रम जो 6 से लेकर 19 तक पहली बार जम्मू कश्मीर में एलजी साहब की तरफ से शुरू किया, एलजी गवर्नेंस जो सेल है, गुड गवर्नेंस सेल, उस उनकी तरफ से जो, और मैं ये भी कहूंगा जो 15 तारीख को होने वाला है उस बारे में जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं, मेरे साथ जो साथी हैं इन्होंने भी बोलना है, सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि एलजी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पहली बार जो ऐसी जम्मू कश्मीर और हिंदू भारत में ऐसी सरकार आई है जिसने जो विस्थापित लोग हैं, जो पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन है, उनका पहली बार किसी ने उनकी जो सुध ली है वो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ली है, और खासकर हमारे जो एलजी साहब हैं, मैं खासकर एलजी अपने मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक ही बात कहूंगा कि हमारे जो पूर्वज थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो अत्याचार हुआ हमारे जो हम डिस्प्लेस पर्सन हैं, हमारे साथ हुआ, हम अपना घर बार, अपना इलाका, अपनी बहु बेटियां जो थी, बहुत बड़ा जोर हुआ था हमारे, बहुत से बहु बेटियों ने अपना, क्योंकि उन्होंने आग नहीं लगाई लेकिन गला रेत कर, कुएं में छलांग लगाकर, मकान से कूद कर जाए, ऐसे कई बार लोगों उनके घरों में उनके माँ बाप ने उनका जो है गला रेता गया, और हमारी बहु बेटियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। आज मैं ये कहूंगा कि जो एलजी साहब ने मौके पर स्मारक के लिए जो लॉन्च किया है 50-60 कनाल स्मारक, उसमें एक ऑडिटोरियम, और खासकर ऑडिटोरियम के साथ 1000 गाड़ी की पार्किंग, 1000 लोगों के रहने के लिए जगह, ऐसे बहुत से स्थान है जो हमारे, बहुत से काम है जो हमारे एलजी साहब ने लॉन्च किए हैं। मैं एलजी प्रशासन का, खासकर मोदी सरकार और एलजी प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो विस्थापित सेवा समिति है जो पीओजे के, उसकी तरफ से। हाँ जी गुरदीप जी, बताएं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज सबसे पहले मैं पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की ओर से, जो खास करके हमारी मीडिया के पर्सन हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी आवाज, जो हमारी जनता जनार्दन है, वहां तक पहुंचाती है। तो मैं आज सबसे पहले हमारे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने, जैसे कि मेरे बड़े भाई एमएलसी प्रदीप शर्मा जी ने कुछ बातें बताई और उसमें कुछ और भी मैं ऐड करूंगा कि खास जो बात उन्होंने, जो हमारे रिफ्यूजी भाइयों की, जो 47 से विस्थापित लोग थे जो यहां के वसे, उनकी कॉलोनियों को जो रेगुलराइज करने का भी ऐलान किया, मैं उसके लिए हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर नरेंद्र भाई मोदी जी का और गवर्नर साहब का। ये जो तमाम बातें उन्होंने अनाउंस की हैं, जो हमारी वन टाइम सेटलमेंट थी उसमें जो कुछ हमारे भाइयों को एक किस्त जो है मिल गई थी, कुछ हमारे लोग पेंडिंग थे, तो गवर्नर साहब ने कहा कि वो किस्त भी जो है हम जल्दी क्लियर करेंगे, और हम मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब का और मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कहा पिछले 60 साल से जो जदोजहद की रिफ्यूजी लोगों ने, वहाँ से जो उजड़ कर लोग आए, इनके साथ हम ये समझते हैं कि इनको बुनियादी हकूक नहीं मिले, ये चीज़ें देने के बाद भी गवर्नर साहब ने कहा तमाम हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, इनमें जो है रिजर्वेशन जो है, जो नौजवान लोग हैं उनको भी हम देने की पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से गवर्नर साहब का दिल की गहराइयों से और मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। जय हिंद, जय पुंज। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर से मैं डिमांड ज़रूर करूँगा कि जो इलाका हमारा उस तरफ रह गया है 55%, उसमें जो हमारी 24 सीटें रही हैं, उसकी हम ये ज़रूर डिमांड करते हैं कि जो 1/3 मेजॉरिटी में उनका जो फैसला किया गया था एक बार कि उनकी 8 सीटें जो एमएलए की यहाँ दी जाएंगी और उसमें 2 जो एमपी दिए जाएंगे, उस पर भी एलजी साहब गौर किया जाए, और वो जो सीटें 8 जो एमएलए की और एमपी की, वो भी अनाउंस की जाएँ। और जो एलजी, हमें ये ज़रूर उम्मीद है कि जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है सेंटर में, उनके जो आगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जीएंडके में है, उन्हीं के हाथों ये जो काम है वो हो सकता है।